दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कमीज की कटिंग, ओल्ड मैन की कमीज। तो सबसे पहले ऊपर से एक सीधा निशान लगा ले, ये देखिए सीधा निशान लगा ले। इसके बाद जो है लंबाई का निशान लगा ले, इसका लंबाई जो है 29 है, 29। ये देखिए यहाँ पे 29 आ रहे थे, यहाँ से आप 7 इंच बढ़ा के ये मार्कर लगा ले और इसे भी सीधा निशान लगा ले। इधर से 1.5 इंची का इस तरीके से निशान एक लगा ले, ये देखिए 1.5 इंची का। और ये जो फोल्ड किए हैं कुर्ते के जैसा किए हैं, सीने के जो है चौथाई भाग से 4 इंच ज्यादा फोल्ड किए हैं, ये देखिए ये 1.5 इंची का इस तरीके से हमने मार्कर लगा दिया। ये मार्कर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद जो है ये जो सीधा निशान लगाए हैं, यहाँ से आप 1.25 इंच का एक निशान लगा दे, 1.25 इंच, 2 इंच में 2 सूत कम, ये सीधा निशान इस तरीके से लगा ले। अब जो है सीने का चौथाई भाग इस तरीके से हम मार्कर लगाएंगे। इसका जो सीना है वह है 33.5 इंच और चौ का 32, 2 सूत ये 33 हो गया। तो इस तरीके से मार्कर लगा दे, इसमें कम नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक ये जो है बहुत ज्यादा लूज सिलाता ही है, कमीज का मतलब बहुत ज्यादा लूज। इसके बाद जो है ये जो हम मार्कर लगाएंगे दूसरा, ये पेट का भी माना जाता है और साइड पॉकेट का भी, तो इसका लंबाई बहुत कम है इसलिए 16 इंची पे इस तरीके से मार्कर लगाएंगे। इसका पॉकेट का जो माउथ रहेगा, मुंह रहेगा, वो रहेगा 6 इंच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मुंह 6 इंच का रहेगा इसलिए हम इसको 6.5 या 6.5 का इस तरीके से मार्कर लगाएंगे। इसमें क्लोजर इतना जो है लॉक रहेगा जहाँ से पॉकेट लगता है, तो ये कपड़ा कम है, लंबाई कम है इसलिए 1.25 इंच का इस तरीके से हमने लॉकर रखा है, 1.25 इंच का। अब ये सारे निशान को इस तरीके से सीधा कर ले। ये देखिए ये सीधा निशान हो गया। इसके बाद जो है अब हम सीने का चौथाई भाग, ये सीना है 33.5, तो यहाँ से मार्कर लगाएंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये जो निशान लगाए वहां से, तो देखिए 8.25, 1 सूत, तो ये हो गया 33.5 इंच। इसके बाद इसमें जो लूजिंग देंगे वो देंगे 2 इंच, बैगी शॉर्ट में जितना देते हैं उतना। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये लगभग आ रहा है आपका 10.5 सूत कम। यहाँ पे इस तरीके से मार्कर लगा देंगे 10.5 का इस तरीके से, ये ठीक है। और यहाँ से यहाँ जितना मार्कर लगाए हैं ना, नीचे को बढ़ा देंगे इस तरीके से 1 इंच, ये देखिए ठीक है, ये हम बढ़ा दिए। अब ये किस लिए बढ़ाए हैं आप सभी को अभी पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से तिरछा निशान लगा ले और यहाँ से राउंड कर ले, कमीज जो है नीचे से गोल रहता है, तो इस तरीके से हम इसको राउंड कर लिए, देख सकते हो। अब जो है यहाँ आएंगे, इसका जो तीरा है ना, तीरा कितना है, यानी कि शोल्डर तो 16 है, तो 16 यहाँ से नापेंगे, ठीक है 16 है, दे देखिए 8 इंची का इस तरीके से एक मार्कर लगा लेंगे और 1/2 इंची सिलाई का मार्जिन दे देंगे। अभी जो है कॉलर, तो इसका कॉलर 14 है, लिख देते हैं 14, यहाँ से 1/2 इंची के इस तरीके से मार्कर लगाएंगे और इसको राउंड कर देंगे हालत को, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और ये जो है ना यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे, तो यहाँ से इस निशान जो है ना यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ से इस तरीके से डॉट डॉट दे के ये आर होल को राउंड कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ कैसे निशान लगाना है, हल्का सा शेप करेंगे, अगर आप चाहो तो ये स्ट्रेट भी लगा सकते हो लेकिन मज़ा नहीं आएगा, इसलिए जो है यहाँ से इस तरीके से हल्का शेप कर देंगे ताकि देखने में और पहनने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो ये कमीज का लंबाई बहुत कम है और ये मार्कर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम करेंगे कटिंग, चलिए कटिंग इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हो किस तरीके से कटिंग किए हैं, 2 इंच के जो मार्जिन दिए उसी पे कटिंग कर दिए हैं, इसमें सिलाई का मार्जिन हम अलग नहीं दिए हैं। यहाँ से एक नोटिस लगा लेंगे कूट का, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से एक और निशान लगाएंगे बटन पट्टी बनाने के लिए, तो ये जो निशान लगाएंगे ना वो
पौन इंच का हम लगाएंगे, पौन इंच चौड़ा मेरा क्या रहता है, पॉकेट रहता है, तो ये मार्का हम इस तरीके से लगा लेंगे। ये कितना नीचे तक लगेगा आप सभी को हम बता रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट कर ले, 9 से 10 इंच, ये देखिए 10 इंच बटन पट्टी काफी अच्छा होता है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से ये हो गया बटन पट्टी। तो इसका जो है लिंक दे देंगे, स्टिचिंग सिलाई का वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देखकर सीख सकते हो। और इसका बैक वाला कटिंग करेंगे, फिर स्लीव्स कटिंग करेंगे, वीडियो का पूरा देखकर अच्छे तरीके से सीख जाओगे। अब इसका जो है बैक वाला कैसे कटिंग करेंगे आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा पल्ला जो है इस तरीके से हम रख दिए हैं, बड़ा पल्ला। दूसरा पल्ला कटिंग करने के लिए सेम इसको हमने बिछा के रख दिया है, ऊपर को हमने 2 इंच इस तरीके से ऊपर निकाल दिया है, आप देख सकते हो, ये देखो 2 इंच हम ऊपर निकाल दिए हैं। और ये जितना है ना, यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, ये है 10, तो 10 इंची पे इस तरीके से ये मार्कर लग जाएगा मेरा, और यहाँ से इस तरीके से एक निशान लग जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। ये मेरा बैक पल्ला का आर्मर हो गया। अब जैसे है ना सेम उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसमें का जो है तीरा भी कटिंग होता है, जैसे शॉर्ट का तीरा कटिंग होता है, सेम उसी तरीके से पीछा इसमें 2 टेकिंग पड़ता है, ये देखिए सेम जो है इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कुट का पीच का दे देंगे यहाँ से, और यहाँ से सीधा इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और ये जो है मेरा आर्म होल बैक पल्ला का, ये हम कटिंग कर लेंगे, ये देखिए ये फाइनल कटिंग हो गया। ये पॉकेट का जो निशान है ना, यहाँ से जो हम कुटका लगाए हुए हमारे का, यहाँ से एक कट लगा देंगे, एक यहाँ पे कट लगा देंगे, एक यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। ये मेरा दोनों पल्ला कटिंग हो गया। अब इसका तीरा स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्लीव्स इसका बाजू काटने के लिए ये हमने एक फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड कर लिया। अब ये जो है चौड़ाई में 22 है, तो इसको इस तरीके से स्ट्रेट फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। कपड़ा कम रहता तो इस तरीके से फोल्ड करते, बट इस तरीके से आ जाएगा तो इस तरीके से हम फोल्ड कर देते हैं। बहुत अच्छा इस तरीके से बाजू बैठता भी है, पहनने में भी मजा आता है। तो इसको जो है इस तरीके से हम यहाँ एक नाखून का निशान लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ से एक सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे, सीधा निशान। इसके बाद इसका बाजू का जितना लंबाई है ना 23 है, तो इस तरीके से 23 इंची यहाँ पे रख लेंगे, ये देखिए यहाँ पे पूरा लंबाई रखेंगे। यहाँ से 1/4 इंची इस तरीके से कम कर लेंगे, 1/4 इंची, और इस निशान को भी सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ हमको जो कफ लगेगा वो 8.5 इस तरीके से लगेगा, और 8.5 लगेगा, तो ये देखिए यहाँ से 4.25 पे इस तरीके से मार्क लगा देंगे। इसमें प्लेट के लिए 1/4 इंची दे देंगे, तो ये 5 इंची हुआ, तो 5 इंची का इस तरीके से मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसमें हम डाउन करेंगे इस तरीके से 3.5 इंची, तो 3.5 इंची डाउन करके यहाँ से सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ से इस तरीके से नापेंगे, सीने का चौथाई भाग दिया जाएगा 8.25, और इसमें से हम कम कर लेंगे 1/2 इंच इस तरीके से। तिरछा जो हम नापेंगे तो इस तरीके से देखिए 8.5 आ रहा है, सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ेंगे तो ये आएगा 9.25, ठीक है। यानी कि इतना ध्यान रखिए कि जितना सीने का चौथाई भाग आ रहा है ना, उसे यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा इस तरीके से आना चाहिए सिलाई का मार्जिन लेकर, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे, ये निशान हो गया अच्छे तरीके से। इसमें सिलाई का मार्जिन देकर हम कटिंग करेंगे यहाँ से इस तरीके से। अगर आप सिलाई का मार्जिन नहीं देना चाहते हो तो इस तरीके से सीना जी तो है ना चौथाई भाग, यहाँ से 1 इंच इस तरीके से तीसरे 1 इंची निशान लगा लें। यहाँ से जो हम 1/4 इंच दिए हैं, यहाँ से 1/2 इंच और सिलाई का मार्का लगा लें, और डायरेक्ट इस तरीके से निशान लगा लें, और इसमें सिलाई के मार्जिन देने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा ही कटिंग कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से कटिंग करें, ये देखिए बाजू जो है कट हो गया। अब इसमें जो है आगे पीछे का इस तरीके से आगे पल्ला में खाल उठ रहता है 1/2 से 1/4 इंच, तो ये हम इस तरीके से कर देंगे। ये खाल किस लिए किया जाता है पता है आप सभी को, नहीं ना? तो ये खाल इसलिए किया जाता है ना कि आगे नम ना हो, सिकुड़न ना पड़े, घिंचरे ना कपड़ा, आगे फिनिशिंग रहे, इसलिए ये दिया जाता है, ठीक है, आगे कम किया जाता है।
और आगे कम रहता है लड़कों का और पीछे ज़्यादा रहता है चेस्ट। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से तीसरा भाग फोल्ड करेंगे, सिलाई का मार्जिन हटा देंगे इस तरीके से 1 इंची, और ये नाखून का एक निशान लगाएंगे डॉट डॉट, ये निशान इस तरीके से लगा लेंगे डॉट डॉट, और इसके बाद इसको इस तरीके से ओपन कर ले, और यहाँ से इस तरीके से 5.5 मेजरमेंट कर ले और इसको कट लगा दें। ये देखिए, ठीक है, इसमें बनेगा मेरा चाक पट्टी कमीज में, शॉर्ट के जैसा ही बनता है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो है हम तीरा कटिंग करेंगे। ये देखिए, तीरा कटिंग करने के लिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया खारा में कपड़ा, और ये जो पारा है ना इसको छोड़ के इस तरीके से सीधा एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, सीधा निशान लगा के इसका हाइट जो रखेंगे 5.5 रखेंगे, हाइट रख लिए 5.5। हालर के लिए 1.5 इंची हम राउंड करेंगे इसमें, और इसका जो थी है तीरा हुआ है 16 इंच, तो इस तरीके से 16 पे इस मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन, तो 8.5 हो गया, 8.5 पे इस तरीके से एक मार्क लगा देंगे, और यहाँ से इस तरीके से नापेंगे 8.5 पे, और 2 सूत इस तरीके से बढ़ा के ये मार्क लगा लेंगे, और 5.5 है तो 5.5 के इस तरीके से निशान लगेंगे। इसमें जो है डाउन करेंगे तीरा, शोल्डर जो डाउन करेंगे 1.5 इंच करेंगे, और ये हो गया मेरा कंप्लीट। और इस निशान को इस तरीके से सीधा इस तरीके से हम लगा लेंगे, इस निशान को यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब इसमें हालर छाँटना है। ये देखिए, उसमें जो हालर रखे थे ना, हम जितने रखना है उसको 2 सूत बढ़ा लेंगे, तो इस तरीके से बढ़ा के ये मार्का लगा दें, और इस तरीके से ये हम हालर को कर दिए राउंड। अब यहाँ से इस तरीके से इसमें हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये मेरा तीरा कंप्लीट हो गया, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है कमीज़ का कटिंग, आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते। तो दोस्तों, ये जो है तीरे का कटिंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका सिलाई का वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देखकर सीख सकते हो कमीज़ का सिलाई। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, और भी सिलाई सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।